हाय दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों को एक यहाँ पे बिहार में कृषि विभाग में बम्पर भर्ती रिलीज की गई, जो कि आप लोगों को यहाँ पे 1041 पोस्ट पे वैकेंसी को रिलीज की गई, जिसमें अलग अलग पोस्ट में अलग अलग यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है और अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी को रिलीज की गई, जिसके बारे में यहाँ पे आपको बताने वाले। और यहाँ पे हम बात करेंगे आप लोग को इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, और इसमें तरह तरह की बात हम आप लोग को यहाँ पे बताने वाले। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बिहार कृषि विभाग नई भर्ती 2023 की यहाँ पे रिलीज कर दी गई, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात करें आप लोग की यहाँ पे टोटल पोस्ट यहाँ पे 1041 पोस्ट पे वैकेंसी को रिलीज की गई, और यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट से टोटल 1041 पोस्ट पे वैकेंसी को रिलीज की, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात करें आप लोग की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट की, जब यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी उसी समय आप लोग को यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट आप लोग की 15 अप्रैल तक आप लोग यह फॉर्म को फिल कर सकते, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे हम बात करें आप लोग की फीस, आप लोग को 1 रुपये यहाँ पे आप लोग को फीस नहीं लगने वाली है, जो कि 0 रुपये फीस है। यहाँ पे आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, जो 0 रुपये फीस है, यानी जो अपीयरिंग स्टूडेंट है वह भी यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत मतलब कोई आगे आप लोग की यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगी। यहाँ पे जो पास आउट है, ग्रेजुएशन पास आउट है, उनको यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ज्यादा सुविधा होगी। फर्स्ट में बात करें आप लोग को प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, यानी यहाँ पे बात करें बीटीएम जिसको आप लोग कह सकते हैं, ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर यहाँ पे कह सकते हैं। और यहाँ पे बात करें बीटीएम को यहाँ पे आप कह सकते हैं ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करें इसको उस सभी में यहाँ पे 288 पोस्ट की वैकेंसी को रिलीज की, जो कि बीटीएम की, और उनके लिए यहाँ पे सैलरी आप लोग की 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी को प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे बात करें सहायक तकनीकी प्रबंधक यानी एटीएम असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट पे वैकेंसी को रिलीज की गई, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करें इनको यहाँ पे 587 पोस्ट पे वैकेंसी को रिलीज की गई। और यहाँ पे बात करें इनको इस सभी को जो एटीएम वाले होंगे उनको यहाँ पे 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी को प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए यहाँ पे आप लोग की यह प्रखंड लेवल पे है, जो प्रखंड लेवल पर यहाँ पे बात करें यह भी प्रखंड लेवल पर है, लेकिन यहाँ पे जो 4 नंबर में यहाँ डिस्ट्रिक्ट जिला स्तरीय यहाँ पे वैकेंसी है। थर्ड में बात करें लेखपाल की जो पोस्ट में वैकेंसी को रिलीज की गई, उसके लिए यहाँ पे आप लोग की 160 पोस्ट में वैकेंसी को रिलीज की गई। और यहाँ पे बात करें 22,500 रुपये पर मंथ सैलरी को प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात है आशुलिपिक सह लिपिक की पोस्ट पे 6 पोस्ट पे, और यहाँ पे 22,500 रुपये पर मंथ सैलरी को प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करें जो यहाँ पे पोस्ट रिलीज की गई है, और चार टाइप की यहाँ पे वैकेंसी को रिलीज की गई। और यहाँ पे हम बात करें इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है क्या क्या रखी गई, जो कि हम यहाँ पे बात कर ले। इसके लिए आप लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर यानी किसी भी सेक्टर से होंगे, अलाइड सेक्टर, तो आप लोग यह फॉर्म को फिल कर सकते। इसके लिए भी आप लोग की एग्रीकल्चर होना अनिवार्य है, और इसके लिए भी हम बात करते हैं इसके लिए आप लोग की बीकॉम होना अनिवार्य है, जो कि आप लोग को यहाँ पे फुल डिटेल में बताने वाले, जो कि आप लोग आगे वीडियो के आगे आप लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे बात करें असुलिपिक यहाँ पे जिला स्तरीय वैकेंसी हो, जिसके लिए हम बात करें एज लिमिट आप लोग की मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 37 ईयर, जो कि आप लोग ओबीसी ईबीसी जनरल के लिए यहाँ पे 3 ईयर, एससी एसटी के लिए 5 ईयर, यहाँ पे आप लोग को एज में रिलैक्सेशन दी गई, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट में हम बात करें जो यहाँ पे जो आप बात कर ले या इसमें एग्जाम होगी या नहीं, यहाँ पे आप लोग एग्जाम नहीं होने वाले, ओनली आप लोग को मेरिट तैयार किया जाएगा, मेरिट के आधार पर आप लोग का सिलेक्शन लिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हम बात कर ले 10th के लिए यहाँ पे 12th के लिए ग्रेजुएट के लिए इन सभी के लिए यहाँ पे आप लोग को अलग से 1% तैयार की, सभी को मिला के आप लोग को 100% बनाया जाएगा।
उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सिलेक्शन ले जाएगा, नो एग्जाम नो फीस ओनली सिलेक्शन आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे बात करें नो एग्जाम सीधी भर्ती, और यहाँ पे बात कर ले सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं वीडियो में कि आप लोग को यहाँ पे एक एग्जाम नहीं होने वाली, ओनली आप लोग को यहाँ पे मेरिट तैयार किए जाएंगे। ऑल इन्फॉर्मेशन आप लोग को यह वीडियो में मिल जाएगी, जो कि हम आपको आगे भी देने वाले हैं, जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पद का नाम, जो पद का नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते, रिक्त पदों की संख्या, और यहाँ पे न्यूनतम योग्यता, कार्य का अनुभव, अधिकतम आयु सीमा, और यहाँ पे कितने रुपये सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, सारी यहाँ पे हम बताने वाले हैं। फर्स्ट में बात करें तो प्रखंड तकनीकी एवं आत्मा योजना अंतर्गत, यानी यहाँ पे हम बात कर ले, यहाँ पे 288 पोस्ट पे वैकेंसी को रिलीज की गई, और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता कृषि या एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वानिकी, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, मत्स्यिकी, गव्य प्रौद्योगिकी विषय में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे आप लोगों कार्य अनुभव भी मांगी गई है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें अधिकतम आयु सीमा आप लोग की 37 वर्ष रखी गई है, यहाँ पे न्यूनतम यहाँ पे मेंशन नहीं की गई, जो कि आप लोग को न्यूनतम यहाँ पे मान लीजिएगा तो यहाँ पे 18 ईयर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम बात कर ले, यहाँ पे जो वैकेंसी रिलीज की गई प्रखंड यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लॉक BTM की, यानी इसको आप लोग BTM ब्लॉक असिस्टेंट या कुछ यहाँ पे कुछ होता फुल फॉर्म होता है, जिसको यहाँ पे हम पता नहीं है। और यहाँ पे बात करें असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर की पोस्ट पे ATM की पोस्ट पे वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि 587 पोस्ट पे वैकेंसी को रिलीज की गई है। इसको आप लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ATM भी कह सकते, असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर। यहाँ पे हम बात करें तो इसमें आप लोग की कृषि, उद्यान कृषि, अभियंत्रण, वानिकी, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान में आप लोग की स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे हम बात करें तो 37 वर्ष होनी चाहिए। इसमें आप लोग की 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी को प्रोवाइड किया जाएगा। यह हो गया कि सिर्फ कृषि के लिए। यहाँ पे थर्ड में आप लोग देख सकते हैं कि लेखपाल के लिए जो वैकेंसी रिलीज की गई है 160 पोस्ट पर, और इसके लिए आप लोग को BCom होना अनिवार्य है। और यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर कार्य अनुभव, यानी यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगी है, और यहाँ पे आप लोग को एज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 37 ईयर, और यहाँ पे 22,500 रुपये पर मंथ सैलरी को प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट में बात करें यह जिला स्तरीय आप लोग यहाँ पे अलग से, वह प्रखंड स्तरीय यानी अनुमंडल प्रखंड स्तरीय था, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्तरीय है। यहाँ पे आशुलिपिक सह लिपिक राज्य योजना अंतर्गत जिला स्तर की जो पोस्ट पे 6 पोस्ट पे, यहाँ पे हम आप स्नातक एवं अशुपालक का प्रमाण पत्र तथा कंप्यूटर में 6 माह का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इसके लिए आप लोग की एक्सपीरियंस भी मांगी गई। और नेक्स्ट में बात करूँ तो आप लोग को अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष या 22,500 रुपये पर मंथ सैलरी को प्रोवाइड किया जाएगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे कौन कौन से स्टूडेंट यह फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार के बाहर कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यहाँ पे ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और यहाँ पे बिहार स्टेट से जितने भी अदर स्टेट के होंगे कैंडिडेट, उनको यहाँ पे अभ्यर्थी जितने भी होंगे उनको यहाँ पे आरक्षण नहीं दिए जाएंगे, वह यहाँ पे जनरल में आ जाएंगे। और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे ऑल स्टेट के स्टूडेंट यह फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं आप लोग को मेरिट लिस्ट डॉर्फ लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का प्रकाशन कब होगी, यहाँ पे और भी यहाँ पे और मेंशन की गई, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे काउंसलिंग की तिथि, जिला स्तर ये जिला स्तर पर होने वाली काउंसलिंग, आप लोगों को क्या क्या लगने वाली सारी जानकारी आप लोग को इस PDF में प्रोवाइड कर दी गई। और इसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि यह लंबा वीडियो न हो, और अच्छी तरह से एनालाइज कर लीजिएगा। अच्छी तरह से मेंशन करने के बाद फॉर्म को फिल करिएगा। यह बिहार में अच्छी खासी पोस्ट पे वैकेंसी रिलीज की गई है, जाके आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट जॉब के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ।